शर्त ये थी कि अगर मेरी पत्नी पतव्रता होगी तो फांसी आपको होगी शेर खान पठान। ठीक ठीक। और मेरी पत्नी अगर पतव्रता नहीं होगी तो फांसी मुझे होगी शेर खान। तो समझ ले पृथ्वी सिंह, फांसी जल्दी लगने वाली है तुझे। तेरी रानी तेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ऐसा क्या सबूत लाए हो शेर खान? कोई ठोस सबूत दिखाइए शेर खान पठान। हाँ दिखाता हूँ। देखो ये पटका कटार तुम्हारा ही है ना? हाँ मेरा ही है। और ये नक्शा भी तुम्हारे ही महल का है पृथ्वी सिंह? हाँ ये नक्शा भी मेरे महल का है। तो ठीक है अब फांसी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन शेर खान ये सबूत बाजार से भी खरीदे जा सकते हैं। कोई ठोस सबूत हमारे सामने पेश किया जाए। जी हाँ शहंशाह आलम, एक और ठोस सबूत मेरे पास है। बादशाह सलामत किरणमयी की बाईं जांग पर तिल है तिल है तिल है। पूछो इससे तिल है या नहीं है। हाँ भाई पृथ्वी सिंह, क्या ठीक कह रहे हैं शेर खान? ठीक कह रहे हैं। तो शहंशाह आलम मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ के जल्लादों को इसे सौंप दिया जाए और ऐसे इस्लाम की तोहीन के आरोपित मुलजिम को सरेआम फांसी दे दी जाए। राजपूत पृथ्वी सिंह, शेर खान ने जो सबूत पेश किए हैं उन सबूतों और शेर खान के बयानों से तुम शर्त हार गए हो। क्या अपनी तरफ से कोई सफाई पेश करना चाहोगे? कुछ नहीं। कोई आखिरी तमन्ना? हाँ एक तमन्ना है। बोलो। मरने से पहले मैं अपनी जन्मभूमि के दर्शन करना चाहता हूँ। तुम्हारी ये आखिरी तमन्ना पूरी की जाती है, जाओ और जल्दी ही वापिस आना, ये दिल्ली का दरबार तुम्हारा इंतजार करेगा। जल्दी ही आ जाऊंगा, आप लोग फिक्र ना करें। हाय परमात्मा, ये क्या हो गया? जिस पर भरोसा और अटूट विश्वास था उसी ने धोखा कर दिया। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था और मेरी किस्ती वहां डूबी कि जहां पानी बहुत कम था। मुझे अपनी मौत का गम नहीं है बल्कि गम इस बात का है कि पूरी हिंदू जाति की नाक कट। प्राण प्रिय आ गए, आरता करती हूँ। किसका आरता कर रही हो? प्राण प्रिय आपका। अब हम तुम्हारे पति नहीं हैं, तुम्हें प्राण प्रिय कहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। पति ही ईश्वर, पति ही पूजा, नहीं पति से न्यारी हो। आज क्या हो गया है स्वामी? अब तुम आरता करने के काबिल नहीं रह गई हो कमबख्त। साच बता भरतार आज क्यों मन मेरे ते पट गया। खप्पर भरनी नार तेरे महला में सिर खा डट गया। साच बता भरतार आज क्यों मन मेरे ते पट गया। खप्पर भरनी नार तेरे महला में सिर खा डट गया। साच बता भरतार आज क्यों। शेर खान पे फिदा हुई कोई ख्याल करया मेरा न।
प्यार की ढाल धर्म का एतबार तेरा ना। कौन कहे अक धर्म आज तक पतिव्रता का घट गया। तन राखी आव शेर खा की सर राजपूत का कट गया। साज बता भर तार आज क्यों। चोरा के मुँह तह के ना कर के हा हो से। माँ बहन और बहु बेटी का के एक जी रहो से। शर्मदार नारी के सर पे शर्म का पर्दा हो से। पांचों आंगड़ी भी नहीं एक सी भाग कर्म ते छट गया। कुक्रम करके दुनिया में बता किस किस का दुख बट गया। साज बता भर तार आज क्यों। मक्खी कुतिया बदकार नार तीनों एक सी जात देख ली। सती और वेश्या पिया बता कित दोनों साथ देख ली। देख कल तेरी दरबारा में होती पंचात देख ली। धूल बगाए तैसा जन के सूर्य देवता अट गया। तेरी शेर खरा हूँ के आगे तेरा सूरज रंग पलट गया। साज बता भर तार आज क्यों। दोष लगाने तैसा जन तेरा पैंडा ना छूटेगा। चला शेर गुफा ने छोड़ बनी के चार मजे लूटेगा। पाप का जिसने भरा घड़ा उसकी ही सिर फूटेगा। बन्या साजन शेर खान पृथ्वी सिंह फांसी जा टूटेगा। चंदर लाल दुखी करके क्यों गाते गीत निपट गया। किसे जन्म में भी मिले नहीं सा दूर तेरे तेरी हट गया। साज बता भर तार आज क्यों। मन मेरे ते पट गया। खप्पर भरनी नार तेरे महला में शेर खां डट गया। साज बता भर तार आज क्यों। कौन कमबख्त शेर खान। कैसा शेर खान। मैंने तो सपने में भी उसकी शक्ल नहीं देखी। वो शेर खान जो छह रोज महलों में रह कर गया। वो शेर खान जिसे मेरे पटकार कटार दिए। वो शेर खान जिसने मौज मस्तियां करते वक्त बाही जांग पर दिल का निशान देखा। तुम शेर खान को नहीं जानते। नहीं स्वामी, ये सब झूठ है। महलों में शेर खान नाम का कोई नहीं आया। मैंने तुम पर विश्वास और भरोसा किया था। तुम छत्राणी नहीं बल्कि किसी कोठे की वैश्या हो। आज तुम्हारे कारण छत्री राजपूत पृथ्वी सिंह को बादशाह अकबर के दरबार में फांसी होने जा रही। तुम्हारी वैश्यावृत्ति की करतूतों के कारण बादशाह अकबर के दरबार में नाच गाने के साथ मेरी मौत का जश्न मनाया जा रहा। बदछलन, तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहिए।